लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं बहुत ज्यादा, बहू आएगी तो वो सुपरमैन हो जाएगी, उसके ऐसे हाथ लगे होंगे और एक हाथ में वो कलछी, एक हाथ में बेलन, लैपटॉप, इधर से पर्स निकाले, दे पैसे, पैसा ही पैसा। कुंडली पति पत्नी के नहीं, सास और बहू के मिलानी चाहिए, नहीं पूरे परिवार की मिलनी चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, आओ दोस्तों चुगली करें। यहाँ होती है दिल की बातें, मन की बातें, ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। दिस इज मी काजल सो, दिस इज हर्ष। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, व्हाट वुमेन वांट इन मैरिज वर्सेस व्हाट मैन वांट इन मैरिज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा क्योंकि हमेशा से चलता है लेडीज फर्स्ट, आज अपोजिट करके देखते हैं। ठीक है, तो आप बताओ शादी के बाद वुमेन क्या एक्सपेक्ट करती हैं, मतलब उनको क्या चाहिए होता है एक परिवार से? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनकी रिसेंटली या मेरे साथ शादियां हुई थी उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, कि पहली चीज़ क्या होती है ना कि एक तो उनको कल्चरल शॉक मिलता है कि हर किसी की कोई दो फैमिली सेम नहीं होती, इवन इफ वो चाहे मतलब सेम कास्ट के हों या सेम एरिया के हों, फिर भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी फैमिली को एंड स्पेशली हस्बैंड को समझना चाहिए उसके बारे में कि भाई कोई बंदा अपना घर छोड़ के आया, अपना पूरा कंफर्ट छोड़ के आया है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप उससे सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसको सब्जी बनानी आनी ही आनी चाहिए, इसको घर संभालना आना ही आना चाहिए, दिस इज हर फर्स्ट टाइम ऑल्सो। हाँ, एक्चुअली क्या होता है लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, बहू आएगी तो संभाल लेगी, वो सुपरमैन हो जाएगी, उसके ऐसे हाथ लगे होंगे और एक हाथ में वो कलछी, एक हाथ में बेलन, लैपटॉप, इधर से पर्स निकाले, दे पैसे, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। तो एग्जैक्टली ये चीज मतलब जो मेन साइड की फैमिली होती है, जो लड़के का पूरा परिवार होता है, एंड स्पेशली हस्बैंड को समझनी चाहिए कि जो आ रही है वो भी पहली बार ही शादी करके आ रही है, उसके लिए भी ये बहुत नई चीज़ है, जितनी आपके आप किससे ज़्यादा डबल उसके लिए, क्योंकि उसको फैमिली छोड़ के आना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी चेंजेस। मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, तो जैसे ऐसा नहीं होता कि कई फैमिलीज में कोई बच्चा होता है जो बाहर विदेश रह के आता है या कहीं पढ़ाई के लिए बाहर गया होता है, उस बच्चे को कैसे आप ट्रीट करते हो ना, सिमिलरली वैसे शुरुआत में आपको बहू को ट्रीट करना चाहिए, उसको समझाना कि बेटा यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ना ये चीज़ होती है, तो धीरे धीरे सीख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये अगर चीज़ आएगी ना तो बहुत इजी हो जाएगा उसका वो ट्रांजिशन। सेकेंडली मुझे लगता है कि बहुत सारी फैमिलीज में स्पेशली मदर इन लॉ की साइड से ये रहता है कि बेबी सिटर आ रही है उनके बेटे के लिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल है ना। बट एक्चुअली में जो वाइफ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपेनियन होना चाहिए, कि मतलब वो उसके सुख दुख में साथ देने आ रही है, उसको ठीक करने नहीं आ रही है कि अच्छा ये जिंदगी भर बिगड़ा रहा है, चलो मैं इसको कल सुबह तुझे 8 बजे उठना है। और उनको लगता है कि बिगड़ा हुआ है, शादी करा दो सुधर जाएगा। अरे कोई टीचर थोड़ना आ रही है घर में, या कोई आर्मी का वो बंदा थोड़ना आ रहा है कि सुबह 5 बजे डंडा मारेगा, चल भाई सलूट मार, डंडा मारा तो भी बुरा लगता है, तो भी बुरा लगेगा। हाँ, तो ये एक मेंटालिटी है कि शादी होगी तो ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक हो जाए तो बदल गया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चल लड़की के लिए शॉकिंग होता है एक नए घर में, लड़के के लिए सेम उतना ही शॉकिंग होता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है। मम्मी की सुननी है, बीवी की सुननी है, पापा की सुननी है, एकदम से कोई और बंदा जिंदगी में आता है तो पहले तो हम टॉवल यूं फेंक देते थे, अब वो दिमाग में रहता है कि नहीं यार ये उसका भी घर है, एरिया है, उसका भी हाँ स्पेस, उसका भी स्पेस है, उसको भी स्पेस देना चाहिए। हाँ। तो लड़कों के लिए भी बड़ा शॉकिंग होता है। हाँ, वो इक्वली होता है, बट मतलब लड़कों के लिए भी है, बट एटलीस्ट उनका घर सेफ है। हाँ। उनके पास उनके लोग है सपोर्ट करने के लिए, ये ऑप्शन है कि वो घर छोड़ के नहीं जा। लड़कियों पे प्रेशर क्या होता है कि मतलब एक तो नई जगह है, अपने लोग भी नहीं है, दूसरा वो बता भी नहीं सकते अपने लोगों को। अरे तो आप यही देखो ना कि हमें ना एक दिन या दो दिन जाना होता है अपने ससुराल में। हाँ। वो दो दिन हमसे ऐसा लगता है भाई कि अब हो गया, चलो घर। वैलिड पॉइंट, मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में ये लड़कों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। वो ससुराल जाके खुशी नहीं, नहीं वो ऐसा लगता है कि बस भाई तू चली जाना, मेरे को चली जाना, विच इज अ वेरी बैड थिंग। और वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई हुई है और उसको उससे एक्सपेक्ट करो कि ये सब काम करेगी घर का डे वन से, डे वन से एक महीने बाद किचन में घुसा दो,
उसके हाथ का खाना नहीं पसंद आया तो उस पे तबाही तबाही तबाही। अरे भाई मान लो यार थोड़ी बहुत गलती तो लड़के को घुसा के देखो किचन में, वो कितना खाना बना लेता है अपने ही घर में। तो वो तो क्यूट लगता है ना सबको, वो तो हेल्प हो जाती है। लड़कियों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा ही खाना बना के रखेगी, मतलब उसने पैदा ही हुई है ये इसी काम के लिए। ओह माय गॉड, चल यार कोई बात नहीं। एक पॉइंट जो मैं और ऐड करना चाहूंगी, अगर ये पॉडकास्ट किसी मतलब लड़के की फैमिली तक पहुंच रहा है, मे बी सिस्टर तक, मदर तक, फादर तक, एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि जब कोई घर में नया बंदा आता है तो हमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट हर मैरिज में। अगर आप कहो ना कि मैरिज में एडजस्टमेंट होनी ही नहीं चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। लड़का लड़की भाई बहन जो भी फैमिली मेंबर्स है सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फैमिली को ना छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे कि कोई नया बंदा ऐड हुआ है उसकी पसंद नापसंद भी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बहुत सारे फैमिलीज में, आई डोंट नो बट आई रियली वांट टू रेज दिस टॉपिक, बहुत सारे फैमिलीज में जो मेल होते हैं ना वो बिना टी शर्ट के रहना पसंद करते हैं। वो तो मेरे को भी नहीं पसंद। तो वो मतलब अगर कोई लड़की आई है, लाइक आपकी बहू आई है और आप वही चीज कंटिन्यू रख रहे हो तो वो दूसरे बंदे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आई थिंक फैमिली शुड अंडरस्टैंड दैट। मैं एक एग्जांपल दूंगा, लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरे दोस्त की शादी हुई थी, शायद वो सुन भी ले तो उसको अच्छा ना लगे। वो उसके पापा, उसके भाई की शादी हुई थी एक्चुअली, तो वो उसके पापा अपनी भाभी के आगे अंडरवियर में घूमते हैं। कम ऑन यार, हम उसके घर गए तो वो दोनों अंडरवियर में बैठे, भाभी वहाँ बैठी हैं। तो वो हमें देख के इतना अजीब लग रहा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों, है ना। तो उस भाभी के बारे में सोचा। आज मतलब सिचुएशन वही है, भाभी को अलग होना पड़ा क्योंकि वो दोनों नंगे रहते हैं। अरे हाँ, सो बेसिकली थोड़ा सा फैमिली में, मतलब ये बहुत छोटी सी बात है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल फैमिली में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सो दैट वाज माय पॉइंट फ्रॉम माय साइड। अब हम थोड़ा सा मेल पर्सपेक्टिव समझते हैं। हर्ष, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेल सोसाइटी, व्हाट डू यू थिंक कि एक आदमी को शादी में क्या चाहिए होता है जब कोई शादी करके आता है करने? यार मेरे को लगता है ना जो आदमी है बड़ा ही सिंपल क्रिएचर है, हाँ कसम से, मतलब उसको ज़्यादा कुछ जीवन में चाहिए नहीं। थोड़ी सी इज्जत चाहिए, अपने परिवार की इज्जत चाहिए, और ये रहे कि जैसे वाइफ है वो उस पर बिलीव करे अपने हस्बैंड पे, लाइक ट्रस्ट वैल्यू होनी चाहिए कि भाई इसकी डिसीजन की इज्जत होनी चाहिए। वो नहीं होती ना तो आदमियों को कहीं ना कहीं खलता है, यार बता मेरे घर में तो इज्जत ही नहीं है। छोटी सी वो है लाइफ है, मतलब बहुत सिंपल है, खुली किताब खाली जो उसमें भर दो वैसा होता है आदमी, बहुत सिंपल होता है। आदमी को समझने के लिए इतनी माथा पच्ची चाहिए। बट डोंट यू थिंक, मतलब हाँ वो सिंपल है बट जैसे डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेशन भी प्ले करती है, मतलब वो अपने आप से चाहे वो ये सब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवर चीजें, बट क्या होता है दो फीमेल एनर्जी कोलाइड होती है जब शादी होती है स्पेशली। मतलब आजकल ये मीम भी बहुत चलते हैं कि कुंडली पति पत्नी के नहीं, सास और बहू के मिलानी चाहिए, नहीं पूरे परिवार की मिलनी चाहिए। एक शादी जब होती है तो हस्बैंड वाइफ की शादी नहीं हो रही, तेरी शादी मेरे पूरे परिवार से हो रही है, मेरी शादी तेरे पूरे परिवार से हो रही है। तो कभी भी जैसे प्रॉब्लम होती है सबके घर में होती है, मेरे मम्मी पापा बूढ़े होंगे तेरे होंगे, मुझे तेरे मम्मी पापा की टेक केयर करनी चाहिए, तुझे मेरे मम्मी पापा की, ये होता है सिंपल सी चीज़ है। और कुछ बट लाइक उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, जैसे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दोनों परिवार लेके चले, इसका एग्जीक्यूशन लेवल पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मम्मी की और बहू की, लाइक मदर लॉ की थोड़ी सी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ठीक है, तो हाउ वुड यू डील, मतलब अगर कोई हमारा व्यूअर है उसको कैसे आप बताओगे कि कैसे डील करना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को? यार ये ना प्रॉब्लम मानता हूँ बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाता है उसमें, लड़के को नहीं समझ आता कि पहले तो साइड किसकी ले। सबसे पहले सुननी चाहिए, एकदम कान खोल के दिमाग खोल के कि भाई क्या हुआ था। होती है लड़ाई, सबकी होती है घर में, क्योंकि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ बचता ही है भाई, ऐसे बर्तन रखोगे बचेगा ही। तो सबसे पहले मम्मी की सुनो, फिर अपनी वाइफ की सुनो, और ऐसा डिसीजन लो कि दोनों में हार्म ना हो, है ना। ये नहीं कि भाई एक तरफा डिसीजन ले लिया, कहीं ना कहीं डिप्लोमेट रहना पड़ता है।
क्योंकि मम्मी को आप नहीं छोड़ सकते, वाइफ को भी नहीं छोड़ सकते, उससे भी आप शादी करके आए, तो डिप्लोमेट रहना ही ठीक लगता है। बट डोंट यू थिंक कि मतलब हाँ डिप्लोमेट ऑब्वियसली रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीज आपका प्यार है, हाँ, तरीके हाँ, से आपको इनसे हाँ, भी प्यार है, आपको हाँ, इनसे भी प्यार है, सही गलत तो समझाना चाहिए, जैसे हम सही गलत बिल्कुल सही गलत देखना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे जैसे मान लो मेरी मम्मी गलत है, या हो सकता है आप भी गलत हो, मम्मी भी, कोई भी गलत हो, तो उन पे बात करनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि उनको समझाना चाहिए, जैसे तू गलत है तुझे समझाओ, मम्मी गलत है मम्मी को समझाओ, बट एक सटल तरीके से, सटल तरीके से थिंक बिफोर रिएक्ट, है ना। ये नहीं कि वह ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, ते को ही सुनाने लगूं या मम्मी को ही सुनाने लगूं, वो रिएक्शन टाइम थोड़ा डिले करके सोचो, समझो सिचुएशन समझो, उसके बाद आराम से हाँ आराम से वो भी, क्योंकि ये मामला बड़ा ही नाजुक होता है, एकदम पतली धागे जैसा, अगर थोड़ा भी ऐसे वो पतंग खींची तो वो टूट जाएगा। और एज अ गर्ल मुझे भी ये लगता है कि एज अ गर्ल हम लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि एक माँ है और एक बेटा है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि सडनली एक थर्ड पर्सन आया जिसके प्रति उनके बेटे का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्टेड है कि मतलब ऑब्वियसली अब बेटा ज्यादा टाइम वहां स्पेंड करता है। तो एज अ गर्ल हमें भी ये चीज समझनी चाहिए कि यार मम्मी अगर चिड़चिड़ी हो रही है या उन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है, तो मे बी कि आपको इनिशिएट करना चाहिए कि भाई तुम जाओ मम्मी के पास जाके बैठो। हाँ, बिल्कुल, है ना। हाँ, लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि एकदम से आप छोड़ नहीं सकते, आपको दोनों जगह इक्वल टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी लोगों में थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरा बेटा चला जाएगा, ऑब्वियस है यार माँ है, माँ तो माँ है, वो है। तो वो चीज एज अ गर्ल हमें भी समझनी चाहिए, एज अ बॉय लड़के को भी दोनों चीजें समझनी चाहिए, तभी जाके एक सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, पेरेंट्स को हम नहीं समझा सकते, नहीं नहीं, और उनको गलत सही बता सकते हैं। लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपको बड़ा ही समझदारी से ये सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, बट की जा सकती है। अगर आपने गेम खेला कि इनको कुछ और बोल दूं उनको कुछ और बोल दूं, वो सत्यानाश होना है, वो शॉर्ट टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म हाँ उस टाइम बढ़िया लगेगा कि आपको लगेगा आहा मैंने तो बाजी मार ली, लेकिन बेटे फंस गए तुम। तो बेसिकली अगेन मुझे जो कंक्लूजन लग रहा है यहाँ पे भी, कम्युनिकेशन इज द की, कि आप हर जगह पे मतलब आराम से बात करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अब इसको सम अप करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, लड़कियों के लिए राइट अप्रोच क्या है जब वो शादी करके घर आती? मुझे लगता है कि एक तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लोअर रखनी चाहिए। क्या होता है, जैसे हमें बुरा तभी लगता है जब हम बहुत कुछ सोच के आते हैं, जब हम बिल्कुल सोच के नहीं जाते और हमारे लिए इतना सा भी होता है ना, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। बट हम सोच के जाएं, जैसे रील्स देख देख के हम पागल होके जाएं, ओहो बैंड बाजा फटेगा, मेरी सांस आएगी थाली लेके, ऐसे आरती उतारना, मतलब बहुत कुछ आप इमेजिन कर लोगे ना, और फिर अगर उस लेवल की चीज़ नहीं होगी आपको बुरा लगेगा अल्टीमेटली। तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा लो रहो, टेक वन डे एट अ टाइम इनिशियली, कि जो हो रहा है कि आज का दिन मैं कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक है। तो लो एक्सपेक्टेशन इज वन थिंग। सेकेंडली नो प्री कंसीव नोशन, जैसे आज के टाइम में क्या होता है ना कि पहले ही प्लान करके आते हैं कि ये सांस या तो चंगी होवे या वो टंगी होवे, ये जो पुरानी कहावत है ना उस चीज़ को साइड रखना है, मॉडर्न डेज हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। तो आपकी मदर इन लॉ को आप कन्वे करोगे ना चीज़ें कि हाँ मैं, मेरा काम इस तरह का है, मेरा ऑफिस इस टाइप का, लाइक आई हैव डन दिस इन माई यू नो लाइफ, जब मैं शादी होकर आई थी मैं बहुत कम्युनिकेट करती थी, मम्मी को बताती थी, जैसे उनको नहीं पता सोशल मीडिया क्या है, बट फिर भी मैं उन्हें कोशिश करती थी कि आसान शब्दों में कि मम्मी ये मैं प्रचार कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे को प्रमोशन के लिए है। इसमें भी दोनों का रोल है, दोनों का रोल है, उनको भी समझना कि तेरा काम क्या है। तो वो मेरे साथ बैठती थी, उन्हें फिर समझ आया कि अच्छा ये काम करती है। तो मैं प्री कंसीव नोशन लेके नहीं आई थी कि यार मम्मी से ऐसे ही रहना है, सास ससुर से इतना ही वो रखना है, वो चीज नहीं था। आई ट्रीटेड देम एज अ फैमिली इनिशियली, एंड सेम चीज मुझे वहां से मिली, तो वो एक अच्छा साइकिल हो गई। एंड ऑफ कोर्स हर्ष ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। देन वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ, अगर मैनेज नहीं किया होता तो हम ये पॉडकास्ट ही क्यों करते, पता ही नहीं था उन्हें। भूल जाएंगे तो मतलब मुझे ये लगता है कि लड़कियों को शादी के बाद ना थोड़ा सा स्पेशली मॉडर्न जो टाइम हमारा आ रहा है ना,
उसमें भी थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए फॉर चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आप ये नहीं सोच सकते मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगी. भाई बदलना पड़ेगा, आपको भी, हस्बैंड को भी, फैमिली को भी, छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. आप ये मत सोचो यार आप शहर चेंज करते हो तो करना पड़ता है, फ्लैट चेंज करते हो तो करना पड़ता है. जैसे आप नई जॉब में जाओ और वहाँ आपका कोई प्रोटोकॉल हो, वहाँ का कोई रूल हो और आपका, मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगी, डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव इन अ जॉब? वहाँ तो पैसे मिल रहे हैं, वहाँ कर लेते हैं. एग्जैक्टली. तो वही चीज आपको फैमिली में रखना पड़ेगा, दैट यू हैव टू बी ओपन फॉर चेंज एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि घर में क्या होता है, घर में कोई चीजें चलती आती. एट द सेम टाइम आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवानी. आपको अपना पॉइंट भी रखना है बट थोड़ा सटल तरीके से. आप एकदम से आके झंडा नहीं लहरा सकते, बदलाव होगा. धीरे धीरे आप चेंज ला सकते हैं बट एकदम से नहीं आ सकता. लास्टली जो मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट है, लोगों के नहीं सुनने, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या भड़का रहे हैं. आई थिंक हमारी फैमिली में ये चीज़ बहुत स्ट्रांग रही है, मेरी मदर इन लॉ के लिए भी और मेरे लिए भी, कि हमने लोगों की नहीं सुनी. जैसे मुझे लोग सलाह देते थे तो ऐसे किया कर, वैसे किया कर, मैं नहीं करती थी, मैं वही करती थी जो मेरा मन करता था. सिमिलरली जो हर्ष की मम्मी है, उनको मेरे सामने लोग आके बोलते हैं आपने तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा रखा है, आपने तो अपनी बहू को बिगाड़ रखा है. शी डजंट टेक इट ऑन हर ईगो कि हाँ यार मैंने तो इसको ज्यादा आजादी दे दी. अब ये बात वही है कि हाँ. कुछ लोगों के साथ जैसे सास मम्मियों के साथ हाँ. हुआ होता है बुरा हाँ, पीछे हाँ, हाँ. अब वो उस चीज को आगे ना ले जाके उसको ब्रेक करते ब्रेक करना है. मतलब हाँ वो जो लेगेसी चलती आ रही हाँ. है ना कि आप अपना ट्रॉमा आगे पास ऑन कर रहे हो, उस ट्रॉमा को ब्रेक करके आप आगे पॉजिटिविटी दो, फिर मैं आगे पॉजिटिविटी. इसमें मम्मी ने मेरी बहुत कमाल किया, बहुत ज्यादा उनका रोल रहा है कि हाँ उन्होंने बहुत पॉजिटिव, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार इतना प्रोग्रेसिव कैसे कोई हो सकता है. मतलब शी हैज बीन वेरी ओपन, बोथ मम्मी पापा बोथ एंड इवन द एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो. मतलब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, वो अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज को. सो या दीज आर द फोर पॉइंट जो मुझे लगता है कि एक राइट अप्रोच है अगर आप चाहते हो आपको शादी में सक्सेसफुल होना है, आपके रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना है. नाउ लेट्स कम टू यू, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट अप्रोच एज अ मैरिड गाय? यार मुझे लगता है ना, जैसे कोई भी लड़की शादी करके घर आ रही है तो उसको ये ना लगे कभी कि ये भाई दूसरे का घर है, मैं दूसरे के घर जा रही हूँ, वहां मेरे को ये करना है, वो करना है, सेवा करनी है, मैं तो बस इसीलिए. उसको अपना घर फील करो कि भाई ये तेरा ही घर है, कोई दिक्कत नहीं, एज अ फैमिली, एज ए फैमिली. और एज ए हस्बैंड आपको उसका फुल सपोर्ट होना चाहिए. मतलब उस लड़की का बैकबोन हो आप उस घर में, आपके अलावा वो, मतलब कसमें आपने खाई हैं, फेरे आपने लिए, तो आप ही को देखना है. तो उस लड़की के साथ खड़े होना आपका कर्तव्य है. पहली पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट है कि उसको स्पेस देना चाहिए. उसको यार कोई भी 25 साल अपनी जिंदगी जी के आया है और फिर शादी चलो 25 में कर ली एक एग्जांपल, तो ये नहीं है कि आप उसका स्पेस खा जाओगे. उसका अब उसको गोलगप्पे खाने हैं तो आप उसको चाउमीन खिला रहे हो जबरदस्ती, वो नहीं. उसको जो पसंद है वो करेगी, आपको जो पसंद है आप करो. सिंपल, उसको अपना स्पेस दो कि भाई उसको जॉब करनी है जॉब करेगी. अब कोई जॉब करता हुआ आया है, आप एकदम से कहो कि घर बैठ, हाँ ये नहीं पॉसिबल. मतलब कम ऑन यार, तुम्हें कोई बोल दे कि तू जॉब छोड़ के घर संभाल ले तो आप करोगे नहीं करोगे? वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए. और तीसरा पॉइंट जो मेरे को लगता है कि उसकी फैमिली को अपनाओ एज ए मॉम डैड, वो भी आपके दूसरे मम्मी पापा ही हैं. राइट, क्योंकि ये डोमिनो इफेक्ट होगा. हाँ, कि अगर आप हाँ, मम्मी पापा ट्रीट करोगे वो अल्टीमेटली हाँ, बिल्कुल. अब आप बस इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई तू मेरे मम्मी पापा को मम्मी पापा ही एक्सपेक्ट कर और मैं चाहे कुछ भी करूँ. हाँ, मैं जाऊं भी ना. हाँ, मैं जाऊं भी ना. तो आप भी एक्सपेक्ट करो, मैं भी करूँ. मतलब एक्सपेक्ट क्या, मानो मम्मी पापा ही हैं. हमारी शादी में मेरे नाना ने एडवाइस दी थी. राइट, मतलब मैं वो दिन भूल ही नहीं सकती हाँ, कि स्टेज पे आके नाना जी ने जो हर्ष को हाँ, वो बस उन्होंने यही बोला था कि शादी तुम दोनों की नहीं, दो परिवारों की है. इनके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा इनके मम्मी पापा. उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था, वो शायद मैं नहीं समझा पा रहा. वो चीज मेरे दिमाग में आज तक फिट है, तो मैं तो उसी पाथ पे चलता हूँ हमेशा. बस यही है मेरे लिए. तो ठीक है. सो गाइस, जो भी न्यूली मैरिड कपल हैं या स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आई होप ये जो पॉइंटर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं. अगर अगर 1% भी आपको हेल्प मिलती है हमसे तो हम
मतलब आई थिंक कि किसी भी एक या दो रिलेशनशिप या हमारे पॉडकास्ट से सुधर गए तो आई एम वेरी हैप्पी. आई वुड लव टू नो योर स्टोरी. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट डू यू हैव टू थिंक अबाउट इट, या आपके कोई पॉइंट्स है जो आप एड ऑन करना चाहते हो, लेट अस नो इन द कमेंट्स. प्लीज डू लीव अस अ स्टार रेटिंग ऑन स्पॉटिफाई. डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पॉडकास्ट ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर लिसनिंग टू. विद दैट इट्स अ रैप ऑन टुडेज पॉडकास्ट. वी शैल कैच यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट वेरी सून ऑन द नेक्स्ट episode of आओ दोस्तों चुगली करें.